बीआरसी कंपनी लिमिटेड के निम्न आय विवरण को तुलनात्मक आय विवरण में परिवर्तित कीजिए। ग्रॉस सेल 2004 3,06,000, 2005 36,720 माइनस सेल्स रिटर्न 2004 600, 2005 700 इक्वल टू नेट सेल 2004 30,000, 2005 36,020 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 18,200 फॉर 2004, 20,250 फॉर 2005, ग्रॉस प्रॉफिट 11,800 फॉर 2004, 15,770 फॉर 2005 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत है पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2004 के लिए 3,000, 2005 के लिए 34,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 2004 6,000, 2005 6,600, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2004 9,000, 2005 10,000, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग 2004 2,800, 2005 5,770 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2004 300, 2005 400 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2004 400, 2005 600, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2004 2700, 2005 5,570 माइनस टैक्स 50% 2004 1,350, 2005 2,785, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 2004 1,350, फॉर 2005 2,785। इसमें जब हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर हम सिक्स कॉलम का ये फॉर्मेट बना लेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम पर्टिकुलर लिखेंगे, सेकंड कॉलम 2004 के अमाउंट के लिए होगा, थर्ड कॉलम 2005 के अमाउंट के लिए होगा, फोर्थ कॉलम एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए होगा और सिक्स कॉलम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए होगा। और सबसे पहले हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे ग्रॉस सेल, जो कि 2004 के लिए 30,600 है और 2005 के लिए 36,720 है। इसके बेस पे हम एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेंगे, देखते हैं दोनों में डिफरेंस कितना है। तो 30,600 माइनस 36,720 यानी कि एब्सोल्यूट चेंज हमको मिल रहा है 6,120। इसका परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट करेंगे तो 6,120 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 30,600, प्रीवियस ईयर के जो अमाउंट है, गत वर्ष की जो राशि है, उसके बेस पे हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे जितना भी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे सब 2004 के अमाउंट के पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज चेंज आ रहा है फॉर ग्रॉस सेल 20%। इसमें हम माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, जो कि 2004 के लिए 600 है और 2005 के लिए 700 है। एब्सोल्यूट चेंज यहाँ पर देखिए तो 100 का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। और अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो 100 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 600 तो ये हो जाएगा 16.67% एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज। इसको हम माइनस कर देंगे सेल में से सेल्स रिटर्न तो हमको नेट सेल मिल जाएगा, जो कि 2004 के लिए हो जाएगा 30,600 माइनस 600 यानी 30,000, 2005 के लिए हो जाएगा 36,720 माइनस 700 यानी 36,020। एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो दोनों का डिफरेंस निकालें 30,000 और 30,020 का, तो 6,020 इसका एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा। परसेंटेज हम कैलकुलेट करें तो 6020 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी कि 20.07% इसका चेंज इन परसेंटेज हो जाएगा। इसमें हम माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, क्योंकि हमको अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हमने फॉर्मेट में भी देखा नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 2004 के लिए 18,200, 2005 के लिए 20,250। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जब हम एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो डिफरेंस करेंगे तो हमको मिलेगा 2,050 और जब हम इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2,050 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 18,200 यानी 11.26%। माइनस कर देंगे हम नेट सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिलेगा यहाँ पे
तो 2004 के लिए ये हो जाएगा 30,000 माइनस 18,200, 11,800. 2004 के लिए हो जाएगा 36,020 माइनस 20,250, तो ये हो जाएगा 15,770. एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज अगर हम इस पे कैलकुलेट करें ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो 11,800 माइनस 15,770 ये डिफरेंस निकाले तो एब्सोल्यूट चेंज हमको मिलता है 3,970. और परसेंटेज हम इस पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको मिल जाता है 3,970 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11,800 और ये परसेंटेज हो जाता है 33.64%. अब हम इसमें से माइनस कर दे जितने भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमारे पास, तो पहले हम सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को एक साथ ऐड करके लिख लेते हैं जैसे हम फॉर्मेट में हमने देखा. तो सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंतर्गत है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि 2004 के लिए 3,000 है और 2005 के लिए 3,400 है. इसका एब्सोल्यूट चेंज हम देख रहे हैं कि 400 ये इंक्रीज कर रहे हैं 2005 में. अब इस एब्सोल्यूट चेंज के बेस पे हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लें तो 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,000 यानी कि 13.33% हमको यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज मिल परसेंटेज चेंज दिखाई दे रहा है. सेलिंग एक्सपेंस भी दिया गया है, इसको भी हम इसमें शामिल कर लें. तो सेलिंग एक्सपेंस 2004 के लिए है 6,000, 2005 के लिए है 6,600 और दोनों को माइनस करके देखें हम तो एब्सोल्यूट चेंज हमको 600 का इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है. इस एब्सोल्यूट चेंज के बेस पे हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लें. 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6,000 यानी 10% यहाँ पर हमको परसेंटेज चेंज दिख रहा है. अब हम टोटल एक्सपेंस यहाँ लिख लें जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस को मिला के है. तो 2004 के लिए है वो 9,000, 2005 के लिए है 10,000. एब्सोल्यूट चेंज इसमें देखें तो 2004 से 2005 में 1,000 इंक्रीज हुआ है, ये एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा. और इस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो 1,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9,000 यानी कि 11.11% इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा. अब हम कैलकुलेट करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं. यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहे हैं जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था 11,800, उसमें से हम टोटल एक्सपेंस यहाँ पर माइनस कर रहे हैं 9,000 को. तो यहाँ पर हमको 2,800 जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है. उसके बाद 2005 के लिए भी वैसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे 15,770, इसमें हम टोटल एक्सपेंस 10,000 माइनस करेंगे तो हमको 5,770 ये जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है. नॉर्मली अगर हम क्वेश्चन के बेस पे करेंगे तो भी हम वही अमाउंट सारी दी गई है, लेकिन एक बार हमको चेक कर लेना चाहिए. और अब हम इसका एब्सोल्यूट चेंज देखें तो 2,800 माइनस 5,770 यानी कि 2,970 जो है वो हमारे लिए यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा. और अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 2,970 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,800 तो ये हो जाएगा 106.07% परसेंटेज चेंजेस. अब हम इसमें ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2004 के लिए है 300 और 2005 के लिए 400. इसका ऑपरेटिंग चेंज अगर हम देखें तो 100 इंक्रीज हो रहा है. और इस एब्सोल्यूट चेंज पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर ले तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300 तो ये हमको 33.33% मिल जाएगा. इसमें जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट किया था इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दें तो 2004 के लिए ये हो जाएगा 2800 प्लस 300 3100 और 2005 के लिए हो जाएगा 5770 प्लस 400 यानी 6170. और इसमें हम एब्सोल्यूट चेंज देख लें तो ये हो जाएगा 3070 और इस एब्सोल्यूट चेंज के बेस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 3070 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3100 यानी कि 99.03%. इसमें हम माइनस कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो 2004 के लिए दिया गया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 400, 2005 के लिए दिया गया है 600 और एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो 2005 में 200 का इंक्रीमेंट है तो 200 एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा हमारा. इस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा 200 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 100
यानी कि 50% यहाँ पर हमको परसेंटेज चेंज देखने को मिल रहा है। अब ये जो पॉइंट है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको जब हम माइनस कर देंगे तो ये जो टोटल आएगा, इसका बैलेंस आएगा, वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक हमने इसमें टैक्स माइनस नहीं किया है। तो ये 2004 के लिए हो जाएगा 2700, 2005 के लिए हो जाएगा 5570, और एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2005 में 2870 रुपीज का इंक्रीमेंट, ये एब्सोल्यूट चेंज। और इस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो वो हो जाएगा 2870 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2700, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज 106.30%। ये क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हमको अब कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर टैक्स के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो, अदरवाइज हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को तक ही पहुंचकर एंड कर देंगे, क्योंकि 50% टैक्स यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम इसमें माइनस कर देंगे 50% टैक्स, जो कि 2700 का 50% हो जाएगा 1350 फॉर 2004, 2005 के लिए हो जाएगा 5570 का 50%, यानी कि 2785। और एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें यहाँ पर टैक्स रेट में, तो 2005 में ये इंक्रीज हुआ है 1435 से, यानी 1350 और 2785 में हम अगर माइनस करें, डिफरेंस निकालें, तो 1435 का हमको एब्सोल्यूट चेंज दिखता है। और इस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, 1385 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1350, यानी 106.30%। माइनस करके हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, यानी 2700 अपॉन यानी 2004 के लिए ये हो जाएगा 2700 माइनस 1350, तो 1350 ये इसका 2004 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। वैसे ही 2005 के लिए 5570 में हम 2785 टैक्स माइनस कर देंगे, तो बैलेंस 2785 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। इसका हम एब्सोल्यूट चेंज निकाल लें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1350 माइनस 2750, ये आ जाता है 1435, या फिर हम एब्सोल्यूट चेंज को भी माइनस करके देख लें तो बराबर आ जाता है। और अब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, 1435 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1350, तो 106.30% में हमको परसेंटेज चेंज दिखाई दे रहा है। निम्न सूचनाओं से तुलनात्मक आय विवरण पत्र बनाइए। विक्रय 2006 के लिए 2 लाख, 2007 के लिए 4 लाख। बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2006 के लिए विक्रय का 50% यानी 50% ऑफ सेल, 2007 के लिए विक्रय का 60% 60% ऑफ सेल। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय 2006 के लिए सकल लाभ का 15% यानी 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आयकर के दर रेट ऑफ इनकम टैक्स 2006 के लिए कर के पूर्व लाभ का 40% 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस क्वेश्चन में हमको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, जिसके लिए हम 4 कॉलम वाला एक फॉर्मेट बना लेंगे, जिसमें सबसे पहले कॉलम में हम पर्टिकुलर लिखेंगे, उसके बाद 2006 और फिर 2007 के अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, फोर्थ कॉलम हम एब्सोल्यूट चेंज के लिए बनाएंगे और फिफ्थ कॉलम हम परसेंटेज चेंज के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेल, जो कि 2006 के लिए है 2 लाख और 2007 के लिए 4 लाख। एब्सोल्यूट चेंज यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 लाख का एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है, और परसेंटेज चेंज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ये आ जाएगा 100% एब्सोल्यूट चेंज। इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है 2006 के लिए 1 लाख, 2007 के लिए 2,40,000, तो एब्सोल्यूट चेंज यहां पर आ जाएगा 1,40,000 और परसेंटेज चेंज आ जाएगा 1,40,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी 140%। सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिल जाएगा 2006 के लिए, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे सेल है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1 लाख, माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 2006 के लिए 1 लाख, 2007 के लिए 4 लाख माइनस 2,40,000 माइनस कर देंगे तो 1,60,000 हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। और एब्सोल्यूट चेंज हम कैलकुलेट करते हैं 2006 और 7 दोनों के ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके,
तो 60,000 हमको यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज मिल जा रहा है। परसेंटेज चेंज हम कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 60% यहाँ पर हमको परसेंटेज चेंज दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमको यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम इसमें से माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर दिया गया है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट का 15% होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट का 15% हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी 1 लाख का 15% इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाल लेंगे 15,000, और 1,60,000 2007 के लिए 1,16,000 का भी हम 15% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 24,000, और इसका हम एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 9,000, और फिर इस पे हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15,000 यानी कि 60%। माइनस कर लेंगे हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, तो 2006 के लिए हो जाएगा 1 लाख माइनस 15,000 85,000, 2007 के लिए 1,60,000 माइनस 24,000 तो 1,36,000। एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा 85,000 में से 1,36,000 हम माइनस कर रहे हैं तो इंक्रीज दिखाई दे रहा है हमको 51,000 से, और अब हम इसका परसेंटेज चेंज निकाल ले तो ये हो जाएगा 51,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 85,000, तो 60% यहाँ पर हमको परसेंटेज चेंज दिखाई दे रहा है। इसमें हम माइनस कर दे इनकम टैक्स और उसके बाद हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स है, तो यहाँ क्वेश्चन में दी गई है कि कर के पूर्व के लाभ का 40% यहाँ पर हमको निकालना है, तो हमने कर के पूर्व का लाभ देख लिया यहाँ पर निकालकर 85,000 का 40% हम कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 34,000 आ जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे। 2007 के लिए जो इनकम टैक्स आएगा वो हो जाएगा 1,36,000 का 40% यानी कि 54,400। दोनों को अगर हम डिफरेंस इनका निकालें 2006 और 2007 के इनकम टैक्स का, तो 34,000 माइनस 54,400, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट चेंज जो है वो इंक्रीज हो रहा है 24,400 से, और इसका हम परसेंटेज निकाल लें तो 24,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 34,000 तो ये आ जाएगा 71.76%। इसको माइनस करके अब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें तो नेट प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 2006 के लिए 85,000 माइनस 34,000 यानी कि 51,000, 2007 के लिए 1,36,000 माइनस 54,400 यानी 81,600, और एब्सोल्यूट चेंज अगर देखें नेट प्रॉफिट का तो वो आ जाता है 51,000 माइनस 81,600 यानी ये इंक्रीज हो रहा है 30,600 से। अब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर ले तो ये हो जाएगा 30,600 इन 200 डिवाइडेड बाय 51,000, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 60% यहाँ पे परसेंटेज चेंज हमको देखने को मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है कि वो सेल का 50% है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2006 के लिए सेल है 2 लाख, इसका 50% हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेंगे यानी कि 1 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा 2006 के लिए। और वैसे ही 2007 के लिए दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होगा वो सेल का 60% होगा, तो 4 लाख जो कि सेल है 2007 की उसका 60% हम निकाल लेंगे तो 2,40,000 उसका 2007 का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। करण लिमिटेड निम्नलिखित 31 मार्च 2006 के आय विवरण से सामान्य आकार का विवरण विश्लेषण तैयार कीजिए। इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट इनकम सेल 2538, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 26, टोटल इनकम 2564, एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1422, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 184, सेलिंग एक्सपेंसेस 720, अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40, टोटल एक्सपेंसेस 2366, टैक्स 68। इस क्वेश्चन में हमको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है जिसके लिए हम केवल 2006 के लिए बनाना है, जिसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा और एक 2006 के लिए अमाउंट एंड परसेंटेज का कॉलम होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको जो जानकारी दी गई है उसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस को अलग करके दे दिया गया है, लेकिन फॉर्मेट जो हमारा कंसेप्ट है वो वही रहेगा जो हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के लिए देखा, यानी कि सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सेल,
जो कि दी हुई है 2006 के लिए 2538, और इसमें हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1422, तो हमारे पास जो हमको आंसर मिलेगा वो कहलाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1116। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, जो कि 184 है। उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस 720, यानी टोटल एक्सपेंस अगर हम देखें, जिसे हम बी कह सकते हैं, टोटल एक्सपेंस है 904। अब क्योंकि हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम टोटल एक्सपेंस जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमको जो टोटल एक्सपेंस यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है माइनस कर देते हैं, तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम 1116 में 904 माइनस कर देंगे, तो 212 हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। और इसमें हम ऐड कर देंगे मिसलेनियस इनकम, जो कि क्वेश्चन में दी गई है 26 रुपीस, तो ये हो जाएगा 238। और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अब हम इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया गया है 40 रुपीस, वो हमने इस 238 में माइनस कर दी, तो हमको जो आंसर आएगा हमारा वो कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक हमने सारी कैलकुलेशन तो कर ली है लेकिन टैक्स हमने अभी तक इसमें माइनस नहीं किया है। तो ये 198 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जिसमें से अगर हम जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 68 रुपीस टैक्स, उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 130, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। तो ये कैलकुलेशन तो हमने बहुत आसानी से कर ली, अब हम इनके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो सेल कैलकुलेट करते हैं, टोटल सेल वो 100 हम मानते हैं और फिर उस पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल को देखें, तो ये हो जाएगा 1422 × 100 डिवाइडेड बाय 2538, जो कि सेल है, तो इसका आएगा ये 56.03%। और अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा 100 में से 56.03, तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 43.97%। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम आ जाते हैं, सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनका जो परसेंटेज है वो हम सेल पे कैलकुलेट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 184 × 100 डिवाइडेड बाय 2538, यानी कि 7.25% इसका परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेलिंग एक्सपेंस दिया गया है, तो सेलिंग एक्सपेंस को भी हम जो बस टोटल सेल है उस पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये दिया गया है 720 और इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2538 पे, तो ये हो जाएगा 720 × 100 डिवाइडेड बाय 2538, तो ये आ जाएगा 28.37%। और टोटल एक्सपेंस की तरह अगर हम इसका परसेंटेज भी टोटल कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा 35.62%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमने ए में से बी, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हमने टोटल एक्सपेंस माइनस किया था, तो यहाँ पर भी हम ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है 43.97, इसमें से टोटल एक्सपेंस का जो परसेंटेज है हमारा 35.62, उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज 8.35%। इसमें हम ऐड कर देंगे मिसलेनियस इनकम, तो मिसलेनियस इनकम का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम, जो कि हो जाएगा 26 × 100 डिवाइडेड बाय 2538, यानी कि 1.02%, और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9.37%। और इसमें अब हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का परसेंटेज, जो कि हो जाएगा 40 × 100 डिवाइडेड बाय 2538, यानी कि 1.58%। और क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे 9.37 माइनस 1.58, तो ये हो जाएगा 7.79%। और इसमें अब हम माइनस करेंगे टैक्स का परसेंटेज, तो टैक्स है 68, तो इसको भी हम टोटल सेल पे कैलकुलेट करेंगे 68 × 100 डिवाइडेड बाय 2538, तो ये हो जाएगा 2.68%, जिसको कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज आ जाएगा 5.11%।
31 दिसंबर 2003 से 31 दिसंबर 2006 की अवधि के लिए निम्नलिखित आंकड़े ए बी सी के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष से संबंधित हैं, प्रवृत्ति प्रतिशत परिकलित कीजिए। पर्टिकुलर में दिया गया है कैश 2003 100, 2004 120, 2005 80, 2006 140, डेटर्स 2003 200, 2004 250, 2005 325, 2006 400, स्टॉक 2003 300, 2004 400, 2005 350, 2006 500, अदर करंट एसेट्स 2003 50, 2004 75, 2005 125, 2006 150, लैंड 2003 400, 2004 500, 2005 500, 2006 500, बिल्डिंग 2003 800, 2004 1000, 2005 1200, 2006 1500, प्लांट 2003 1000, 2004 1000, 2005 1200, 2006 1500। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको प्रवृत्ति प्रतिशत परिकलित करना है, और इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मेट रहेगा उसमें फर्स्ट जो कॉलम रहेगा वो एसेट्स का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एसेट्स दिए गए होते हैं, और उसके बाद के जो कॉलम होंगे वो सभी साल सभी ईयर के लिए, जैसे यहाँ पर 2003 से लेके 6 तक 4 ईयर दिए हुए हैं तो उनके लिए होगा, जिसमें हर ईयर के लिए दो कॉलम रहेगा, एक हम उसकी जो वैल्यू है वो लिखेंगे और एक जो उसका हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम रहेगा एसेट्स, फिर अमाउंट 2003, उसके बाद ट्रेंड, फिर 2004 ट्रेंड, 2005 ट्रेंड, 2006 ट्रेंड। सबसे पहले यहाँ पर हम करंट एसेट्स लिखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा करंट एसेट्स है सबसे पहले कैश, जो कि 2003 के लिए था 100, 2004 के लिए था 120, 2005 के लिए था 80 और 2006 के लिए था 140। उसके बाद है डेटर्स, तो डेटर्स 2003 के लिए है 200, 2004 के लिए है 250, 2005 के लिए है 325 और 2006 के लिए है 400। उसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक 2003 के लिए है 300, 2004 के लिए है 400, 2005 के लिए है 350 और 2006 के लिए है 500। उसके बाद अदर करंट एसेट्स दिया गया है, जो कि 2003 के लिए है 50, 2004 के लिए है 75, 2005 के लिए 125 और 2006 के लिए है 150। इसका अब हम टोटल कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी करंट एसेट्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको क्लोज करके टोटल कर लेंगे। ट्रेंड हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। 2003 का जो करंट एसेट्स है टोटल वो है 650, 2004 का करंट एसेट्स टोटल है 845, 2005 का करंट एसेट्स टोटल है 880 और 2006 का करंट एसेट्स टोटल है 1190। अब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2003 जो है उसको हम बेस ईयर मान लेंगे, तो क्योंकि उसको हम बेस ईयर मानेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड का जो परसेंटेज होगा वो सबके लिए 100% होगा, कैश के लिए भी, डेटर्स के लिए भी, स्टॉक के लिए एंड अदर करंट एसेट्स के लिए भी, क्योंकि इसको हम मानेंगे बेस ईयर। और अब जब हम 2004 के लिए ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि हमने 2003 का जो बैलेंस है उसको हमने बेस ईयर माना है, तो उसके बेस पे हम 2004 का ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा कैश के लिए 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी 120%। उसके बाद डेटर्स हो जाएगा 2004 के लिए 250 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 200, जो कि डेटर्स है 2003 का, तो ये हो जाएगा 125%। नेक्स्ट स्टॉक है 2004 के लिए 400, तो इसको हम बेस ईयर 2003 के बेस पे परसेंटेज ट्रेंड कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 400 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 300, 133.33%।
और अदर करेंट एसेट्स जो कि 2004 का है 75, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2003 के बेस पे, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 150%। और अब इसका जो टोटल है उसका भी परसेंटेज हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर जो अमाउंट है 2004 की टोटल करंट एसेट्स वो है 845, इसको हम 2003 की जो करंट एसेट्स टोटल है उसके बेस पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 845 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 650, यानी कि 130%। ऐसे ही हम 2003 के बेस पे 2005 का भी ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2005 के लिए कैश दिया हुआ है 80 रुपीज, इसको हम 2003 के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 80%। डेटर्स कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 325 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200, यानी 162.50%। स्टॉक हो जाएगा 2005 का 350 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300, यानी 116.67। और करेंट एसेट्स हो जाएगा 125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा 250। तो इसको हमको ध्यान में रखना है कि बेस हमको जो करना है, डिवाइड जो हमको करना है, वो हमेशा हमको 2003 के जो अमाउंट दी गई है उससे करना है, क्योंकि उसी को हमने बेस ईयर मानकर यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करनी है। 2006 के लिए दिया गया है कैश 140, तो इसकी हम कैलकुलेशन, इसका हम ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, यानी 140%। 2006 के लिए डेटर्स दिया गया है 400, इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो जाएगा 200%। 2006 के लिए स्टॉक दिया गया है 500, ये हो जाएगा 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300, यानी 166.67%। और 2006 के लिए अदर करेंट एसेट्स दिया गया है 150, इसका ट्रेंड हम कैलकुलेट कर लेंगे 2003 के करंट एसेट्स के बेस पे, तो ये हो जाएगा 150 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा 300%। और अब हम इसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1190 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 650, यानी 183.08%। तो ये हमने टोटल ट्रेंड परसेंटेज फॉर ईयर 2006 कैलकुलेट कर लिया है करंट एसेट्स का, और इसी तरह से हम फिक्स एसेट्स के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिक्स एसेट्स में जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लैंड दी हुई है 2003 के लिए 400, उसके बाद 2004 के लिए लैंड दी गई है 500 की, 2005 के लिए लैंड दी गई है 500 की, और 2006 के लिए लैंड दी गई है 500 की। बिल्डिंग दिया गया है फिक्स एसेट्स के अंतर्गत 2003 के लिए 800, 2004 के लिए 1000, 2005 के लिए 1200 और 2006 के लिए 1500। प्लांट दिया गया है 2003 में 1000, 2004 में 1000, 2005 के लिए 1200 और 2006 के लिए 1500। तो यहाँ पर हमको अब परसेंटेज कैलकुलेट करना है इसका, और बेस हमारा क्या रहेगा, 2003 की जो वैल्यू है वही हमारा बेस रहेगा, हमने उसको बेसिक ईयर मान लिया है, इसलिए हम यहाँ पर जो 2003 का ट्रेंड परसेंटेज है वो सबके लिए लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट के लिए 100 ही मानना है, क्योंकि ये बेस है हमारा। 2004 के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2003 की जो अमाउंट है उसी को हम बेस मान के कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए 2004 का हम फिक्स एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले दिया गया है लैंड 500, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400, जो कि 2003 के लैंड की वैल्यू है, और ये आ जाएगा 125%। बिल्डिंग दिया गया है 2004 के लिए 1000 का, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 800, यानी 125%। प्लांट दिया गया है 1000 का, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 100%। उसके बाद 2005 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स एसेट्स, तो 2005 में हम देख रहे हैं लैंड दी गई है 500 की,
इसको भी इन सारे जो 2005 की फिक्स एसेट्स है सबको हम 2003 के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा लैंड 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400 यानी 125%। देन बिल्डिंग दी गई है 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 800 यानी 150%। लैंड दिया गया है 1200 का, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 120%। ऐसे ही हम 2006 के लिए कैलकुलेट कर लें 2003 के बेस पे, तो फर्स्ट लैंड दिया गया है यहाँ पर 500 का, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400 यानी 125%। बिल्डिंग दिया गया है 1500 का, तो 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 800 यानी 187.50%। और प्लांट दिया गया है 1500 का, तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 150%। टोटल अगर हम एसेट्स का करते हैं तो 2003 का जो टोटल एसेट्स है वो है 2200 और ट्रेन परसेंटेज है इसका 100। 2004 का जो टोटल फिक्स एसेट्स है वो है 2500 एंड ट्रेन परसेंटेज है 113.64%। 2005 का जो टोटल फिक्स एसेट्स है वो है 2900 और ट्रेन जो है वो ट्रेन परसेंटेज टोटल है 131.82%। एंड 2006 का जो टोटल फिक्स एसेट्स है वो है 3500 और ट्रेन जो परसेंटेज है वो 159% है। टोटल एसेट्स हम यहाँ पर लिख लेंगे करंट एंड फिक्स एसेट्स को ऐड करके, तो 2003 के लिए टोटल एसेट्स हो जाएगा 650 प्लस 2200 यानी 2850 और ट्रेन परसेंटेज 100 था ही क्योंकि ये बेसिक ईयर है। उसके बाद 2004 के लिए जो टोटल एसेट्स होगा वो हो जाएगा 845 प्लस 2500 यानी 3345 और परसेंटेज अगर हम इसका कैलकुलेट करें 2003 के बेस पे, तो ये हो जाएगा 3345 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2850 यानी 117.36%। ऐसे ही हम 2005 के लिए कैलकुलेट कर लें, तो 2005 में हम देख रहे हैं कि टोटल करंट एसेट्स है हमारी 880 और प्लस फिक्स एसेट्स 2900 करते हैं तो टोटल एसेट्स आ जाती है हमारे पास 3780। और अब इसका अगर हम ट्रेन परसेंटेज निकालें 2003 के टोटल एसेट्स के बेस पे, तो ये हो जाएगा 3780 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2850 यानी 132.63%। 2006 के लिए हम कैलकुलेट कर लें टोटल एसेट्स, तो 2006 में करंट एसेट्स टोटल है 1190 और फिक्स एसेट्स टोटल है 3500 यानी ये हो जाएगा दोनों को प्लस करके 4690। और ट्रेन परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लें 2003 के बेस पे, तो ये हो जाएगा 4690 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2850 यानी 164.56%।